सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके भी गूगल पे का बैलेंस माइनस में दिखा रहा है, यानी कि आप कुछ भी बैंक बैलेंस चेक करो और वो माइनस में दिखा रहा है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हो, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, कर न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम गूगल पे में आ जाते हैं, देन चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो भी बैंक है वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा किसी भी एक बैंक पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर UPI पिन डालकर हम बैलेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नहीं हो गया तो जीरो बताता है, अगर हो तो ये नहीं है फिर भी यहाँ पर माइनस में शो हो रहा है। तो इसे सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर गूगल पे पर क्लिक करके रखना है, देन आई वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर स्टोरेज जिस पर क्लिक करके क्लियर किया जाए आपको एक बार कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका अपडेट चेक कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाकर जी पे सर्च करेंगे, अपडेट इस तरीके से मिल रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, फिर भी अगर आपके माइनस में शो हो रहा है तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर 100-150 रुपये चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर वो ज़्यादा ही चल रहा है 5-10 हज़ार 4-5 हज़ार, तो आप अपने बैंक जो है यहाँ पर आपके जो भी ब्रांच आसपास लगती है उसमें जाकर आप जो है डायरेक्टली जीरो करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर RBI का नियम होता है कोई भी बैंक बैलेंस माइनस में नहीं जीत जा सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पर बैंक जाकर जो इसको जीरो में कन्वर्ट करवा सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।